हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्बी मोमेंट किचन चैनल पर फिर से। और देखिए, आज है रक्षाबंधन और सब लोग के घर में आज रक्षाबंधन बन रहा है। और मैं भी अभी सुबह का टाइम हो रहा है, उठ गई हूँ और गार्बी अभी सो रही है, उसको उठाना है। तो उसके लिए मैं उसके स्कूल में आज रक्षाबंधन का फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो उसके लिए बस खाना बना रही हूँ। तो मैं पूड़ी रख रही हूँ और साथ में उसको अभी मैंने भिंडी बनाया है सुबह लंच बॉक्स में रखने के लिए। तो भिंडी और पूड़ियाँ मैं उसके लिए तल रही हूँ और हमारे लिए खाना बाद में बनाऊँगी। अभी सिर्फ उसका लंच बॉक्स ही मैं तैयार कर रही हूँ। और आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। और हम लोगों का तो क्या है, हम तो यहाँ अकेले ही हैं, तो क्या रक्षाबंधन, घर परिवार से दूर हैं, क्योंकि रक्षाबंधन तो भाई बहनों के साथ ही अच्छा लगता है। ससुराल मायके दोनों तरफ का त्यौहार है, तो दोनों जगह जाते हैं तभी अच्छा लगता है। पर अब क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि कई बार नहीं जा पाते हैं। अब इतनी दूर रहते हैं तो कैसे जाएं। ये देखिए, गार्बी को मैं उठा रही थी, थोड़ा आलस आ रहा है उसको, क्योंकि रात को सोने में नाटक करती है, लेट सोती है, फिर सुबह उठने में बस उसका ऐसा ही रहता है। तो मैं उसको उठा के ब्रश व्रश करने को दे के आई थी और फिर मैं उसका लंच बॉक्स है ना रेडी करने लग गई थी। इनका थोड़ा सा ऑफिस का काम था तो आज मुझे ही उसे नहलाना धुलाना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जब तक उसका पहले पैक कर देती हूँ टिफ़िन वगैरह। वो ब्रश कर रही है तो वही मैंने उसका लंच बॉक्स पैक किया और उसके स्वीट्स वगैरह जो मैंने रात को बनाए थे वो सब भी उसके बैग में मुझे डालने ही थे। तो मैं उसको वही बता रही थी कि मतलब कैसे कैसे मैंने रखा है, उसकी टीचर उससे मांगेगी तो कैसे देना है, क्योंकि राखी और स्वीट्स मांगेगी। तो वही मैं उसको समझा रही थी। और देखिए, उसको मैंने नहला दिया है और अब उसको ये फ्रॉक मैंने मतलब ये गाउन टाइप का है, छोटा है, मतलब फ्रॉक है। तो उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है ये सब पहनने में, उसको चुभता है, ये मम्मा चुभेगा। लेकिन टीचर ने बोला था कुछ फेस्टिवल ड्रेस, क्योंकि जीन्स टॉप वो पहन के जाती ही रहती है, तो फिर वही था कुछ। फिर उसके पास लहंगे वगैरह हैं तो उनसे तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो उसके नाटक रहते हैं। तो फिर उसको मैंने नीचे टी शर्ट पहनाया है नर के जैसा, तो बोलती है अभी नहीं चुभ रहा है तो पहना नहीं, पहले वही था कि मुझे चुभ रहा है। बिल्कुल भी नहीं पहनती है ऐसे कपड़े, पर कई कई बार ऐसे जब फेस्टिवल्स हैं, शादियाँ हैं, तो उनमें तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, जीन्स टॉप हर जगह अच्छा नहीं लगता। और मुझे पता है इसके स्कूल में सारी मतलब बच्चे ऐसे ही रेडी होके आएंगे फ्रॉक वगैरह पहन के, तो वही है। तो मैं अब उसको कर रही थी रेडी, जैसे तैसे मैंने समझा के उसको पहनाया है और फिर हो गई है वो रेडी। तो उसके बाल बना रही हूँ, बाल बनाने में ही मुझे उसके काफ़ी टाइम लग गया था। तो वो बोल रही थी मम्मा बीड्स वगैरह लगा दो बालों में, पिन लगा दो, तो वही मैं उसको सेट कर रही थी। सेट करने में ही मुझे 10 से 15 उसके बाल ही बालों में 15 मिनट लग गए। पर है ना, अच्छा लगता है, चलो लड़की जा रही है और उसके स्कूल में फंक्शन है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो मैं लगी हुई थी कल से उसकी तैयारियाँ करने और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी रक्षाबंधन के लिए। तो भैया चलो उसका तो हो गया रेडी और उसको छोड़ने मैं जा रही थी आज स्कूल। हम दोनों ही जा रहे थे, ये तो नहा लिए थे, सुबह ही उठ के पूजा वूजा कर लेते हैं क्योंकि है ना फिर इनको ऑफिस के लिए बैठना होता है, तो सुबह ही नहा लेते हैं। तो आज वो बोल रही थी मम्मा आप भी चलो, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो हम दोनों ही आज उसको स्कूल छोड़ने चले गए थे साथ में। और देखिए, ये अभी है ना मतलब हैप्पी रक्षाबंधन कर रही है रास्ते में, सबको मुझे भी बोल रही थी, पापा को भी बोल रही थी। तो बस स्कूल से आके मैंने घर का सारा काम किया और मैंने वीडियो शूट नहीं की, साफ़ सफाई किया था पूरा आके, और किचन मैंने क्लीन किया था। और फिर मैं चली गई थी नहाने, रेडी हुई थी क्योंकि आज मुझे साड़ी पहननी थी। मेरा ऐसा होता है फेस्टिवल कुछ भी हो मैं साड़ी ही पहनती हूँ ज़्यादातर, फेस्टिवल वगैरह पे मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, ऐसे नहीं पहनती पर फेस्टिवल्स पे मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहन लेती हूँ सुबह ही, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो। तो आज इन्होंने भी कुर्ता वगैरह पहना था तो मैंने भी साड़ी आज पहन ली, हालांकि है तो कोई नहीं, लेकिन चलो ठीक है, अपने मन को खुश करने के लिए तो पहन ही सकते हैं हम, त्यौहार तो अपने मन का होता है। तो वही है, अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पहले सुबह कुछ ऐसा नहीं था क्या बनाना है, फिर ये बोले कि तुम पनीर की सब्ज़ी साथ में बना लो। मैंने भिंडी और रायता तो बना दिया था, भिंडी गार्बी को रखी थी तो भिंडी बना दिया था, और थोड़ा सा मैंने रायता भी बना लिया था। और मीठा हम लोग डाइटिंग की वजह से खा नहीं रहे हैं, तो बस गार्बी के लिए ही मैंने लड्डू बनाए थे, नहीं तो फिर वैसे तो मैं खीर वगैरह सब बनाती हूँ लेकिन इस बार मैं नहीं बना रही हूँ। फिर ये बोले थोड़ा पनीर की सब्ज़ी बना लो और मैं इनको पूड़ियाँ तल दूँगी, पूड़ियाँ वो भी जो भी मतलब आलमंड पाउडर और जो कोकोनट पाउडर है उसका मिक्स करके आटा गूंद के मैं इनको उसी की पूड़ियाँ तलूँगी। और गार्बी को तो मैंने आटे की ही बना दी है। तो फिर इन्होंने अभी तुरंत पनीर मंगाया
मंगाया था और अभी गारवी के आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैंने फटाफट से पनीर की सब्ज़ी रेडी की, क्योंकि फिर वो स्कूल से आएगी तो वो आके अपनी सारी बातें बताएगी, तो आधा एक घंटा वो ख़राब करेगी और मतलब फिर वही है, बहुत लेट हो जाता है। तो मैं उस पहले ही मैंने कहा सब्ज़ी मैं बना जाती हूँ फटाफट से, तो ये सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी और लगभग गारवी के लाने का टाइम हो ही गया था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको बना रही थी और वो भी खा लेगी आके, उसको दोबारा पूड़ियाँ तल दूँगी, वो थोड़ा उसको पनीर पसंद भी है तो आके खा लेगी। तो देखिए अकेले तो क्या है, हालांकि मैं कर रही हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि हम पिछले बार तो हम गए थे मुंबई से रक्षाबंधन पर, तो दोनों जगह जाती हूँ मैं, अपने मायके भी जाती हूँ ससुराल भी जाती हूँ, क्योंकि ये त्यौहार देखो ऐसा है दोनों का ही है, इनका भी है और मेरा भी है, भाई बहन तो सबके ही होते हैं तो हर जगह जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का ही त्यौहार मने। खाना बन गया है और अभी राखी नहीं बांधी है, अभी गार्गी को लेने जा रही हूँ, टाइम हो गया उसका लाने का, तो अभी दोनों जने हम गार्गी को लेने जा रहे हैं, उसके बाद वो आएगी, उसके बाद ही राखी बांधेंगे। तो अभी तो अकेले तो ऐसे ही रक्षाबंधन मनता है, मतलब अच्छा तो नहीं लगता है, फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, ऐसे तो बना लो खाना पीना, बना लो और बांध लो अपने आप से ही राखी, तो बस वही है। तो चलिए अभी मैं ले आती हूँ पहले गार्बी को, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो देखिए गारवी को मैं लेके आ गई हूँ और पहले मैं खाना नहीं बना रही हूँ, राखी बांधने लगी हूँ क्योंकि गारवी सो जाएगी फिर, तो मम्मी बोल रही थी मतलब मेरी सास की 4-5 बजे तक राखी है ऐसा करके, और वैसे भी इनको मेरे हस्बैंड को वास्तव में बहुत ज़्यादा शौक है राखी वगैरह का, इनका तो हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन इनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इनको तो बहुत ज़्यादा ही शौक है। मैं सच बताऊँ मुझे इतना नहीं है, लेकिन मुझे फेस्टिवल्स की तैयारी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेस्टिवल्स होते हैं तो ऐसा लगता है ये करूँ, अब वहाँ होते हैं तो अच्छा तो खैर लगता ही है, पर इतना मुझे नहीं लगता है कि मैं नहीं गई हूँ या फिर इनको लगता है, पर जब अकेले मनाते हैं, सभी हम लोग राखी बांध रहे थे तो अकेले तो खैर नहीं अच्छा लगता, वहाँ होते हैं तो सब फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो वही है, तो क्या करें अब दूर रहते हैं तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। और देखिए अभी अब गारवी ही हम लोग दोनों के राखी बांधेगी, मेरी ननद ने राखी भेज दी थी तो मम्मी बोल रही थी कि गारवी से बनवा लेना, वैसे तो हर बार है ना कोई आस पड़ोस की लड़की को बुला के जैसे हम बनवा लेते हैं जिस साल हम नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ कोई है नहीं, ऊपर एक लड़की रहती है लेकिन वो अभी स्कूल गई है, वो 5 बजे के बाद आएगी, तो फिर मैंने कहा चलो हम अभी गारवी से ही बनवा लेते हैं। और देखो दीदी को वीडियो कॉल किया था मेरी ननद को, तो वही वो बोली थी कि मतलब राखी बांधेंगे तो हम वीडियो कॉल कर लेंगे, तो वो मम्मी और दीदी वगैरह सब वीडियो कॉल पे थे, तो वही मैं फ़ोन पे दिखा रही थी कि हम राखी बांध रहे हैं सारे, तो यही है। तो गारवी ने ही इस बार हमारे राखी बांध दी थी, नहीं तो किसी ना किसी को बुलवा लेते हैं हम राखी बांधने के लिए जिस साल हम नहीं जाते हैं, अब क्या करें जैसे है वैसे ही काम चला लेते हैं। राखी को बांधना नहीं आ रहा था, मतलब गारवी को राखी बांधना नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ी सी उसको हेल्प कर रही थी ऐसे ही, मम्मी बोल रही थी तुम कर दो इतना कुछ भी नहीं है, तो मैंने कर दिया था। तो फिर वही है, अब घर पर तो सब लेट बांधने वाले हैं, हमने सोचा सब साथ में ही बांधेंगे, लेकिन फिर क्या है गारवी अभी स्कूल से आई है, वो खाना खा के सो जाएगी, फिर वो ट्यूशन चली जाएगी तो उसका रह जाएगा, इसलिए हमने कहा चलो हम तीनों साथ में ही बांध लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चे के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है इस वजह से। वो सुबह से लगी हुई थी कि मम्मी मेरे राखी बांध दो, सुबह मुहूर्त नहीं था, मैं उसको सुबह ही बांध देती, लेकिन सुबह वो स्कूल जब गई थी तब तक मुहूर्त नहीं था, ऐसा बोला था कि 11 बजे बाद से मुहूर्त शुरू होगा, तो मैंने नहीं बांधी थी, फिर उसके स्कूल के आने के बाद से ही हमने बस ऐसे ही देखिए हमने अपना रक्षाबंधन बना लिया, और कुछ मीठा वीठा हमने कुछ भी नहीं बनाया, बस ग्यारहवीं के लिए मैंने थोड़ा सा बनाया था, हम दोनों ने कुछ भी नहीं बनाया, और बस हो गई राखी, घर पे भी बात हो गई थी और मैं बनाने लग गई थी, फिर इसके बाद खाना इनको मैं खाना देने लग गई थी दोनों जनों को, गारवी को और इसके पापा को, गारवी को भी मैंने पूड़ियाँ ही तल दी थी, उसको पनीर बना दिया था, तो बस एक दो पूड़ी खा लेगी क्योंकि वो टिफ़िन खा के आ गई थी, तो और काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि उसके स्कूल में काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, एक दो मतलब सारे लड़कियों से राखी मंगवाई थी और सारे जो छोटे छोटे लड़के थे उनसे सबसे ना राखी उन्होंने बंधवाई थी, छोटे छोटे बच्चों से मिठाइयाँ खिलाई थी टीचर्स को सबको, तो काफ़ी अच्छा मतलब उनका सेलिब्रेशन हुआ था क्योंकि उसके ग्रुप वीडियोज़ आए थे तो मैंने उसमें देखा था।
तो ये देखिए खाना वाना हो गया था, मैंने इनको खाना दे दिया था, गार्वी ने भी खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था। और मैं इतनी थक गई थी ना आज, पता नहीं आज सुबह से मेरे पैरों में बहुत दर्द भी था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। तो पर मैंने कहा चलो काम तो करना ही है तो कर लेते हैं, एक्साइटेड तो रहते ही हैं, त्यौहार तो होता है तो ऐसे तो मुझे लगता है यहाँ पर होते हैं तो फिर ये करने वाला कौन है, मुझे करना ही है तो ये रहता है ना कि नहीं चलो बच्चे हैं या इनको अच्छा लगेगा तो मैं त्यौहार पर मतलब कोई भी त्यौहार हो मनाते ज़रूर, चाहे हम अकेले हैं छोटा मोटा मना लेते हैं पर लेकिन सब करते हैं, ऐसा नहीं है। खाना पीना सब बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कितना भी मतलब कैसे भी हो लेकिन करती ज़रूर हूँ, छोटा मोटा तो घर में बनाते ही हैं हम। तो बस देखिए मैं करने लग गई थी किचन की क्लीनिंग, पूरा पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना तो पूरा चिकना चिकना एकदम हो जाता है, तो किचन की क्लीनिंग की और देखिए कितने सारे बर्तन हो गए थे, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, जबकि सुबह के मैंने एक बार क्लीन कर दिए थे फिर भी है ना इतने सारे बर्तन हो गए, सब्ज़ी वगैरह खाली करी सारी पूड़ियाँ वगैरह के। तो बस इनको करने लगी थी मैं साफ़, और अब इसके बाद मैं करूँगी रेस्ट क्योंकि गार्वी को फिर ट्यूशन छोड़ के आना है 4 बजे, तो 1 घंटा ही मेरे पास बचा था क्योंकि राखी वगैरह बांधी, खाना वाना खाया, तो इतना करते करते अभी मुझे 2:30-3 के आसपास बज रहा है। तो बस बर्तन क्लीन करके अब मैं करूँगी रेस्ट, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नए एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन।